और गाइस, तो जैसे आपको पता है कि हमने नया हेयर स्टाइल कराया था, अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो चुका है। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आपका हेयर स्टाइल किस तरह करवाना है, क्या करवाना करेगा इस हेयर स्टाइल के लिए। तो आज हम आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल बताएंगे। हम वापस हेडमास्टर आ चुके हैं ऊपर देखिए, और वापस हम वतन से ही करवाएंगे। अपॉइंटमेंट ली हुई है, 15 मिनट लेट है, जल्दी भागेंगे अभी यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ये जो बेसिकली हेयर कट होता कैसे है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक एक डिटेल में दिखा सकूं वीडियो के थ्रू कि किस तरह हमने इस हेयर स्टाइल को बनाया, ताकि आप अपने बार्बर के पास जाके उन्हें ऐसा ही हेयर स्टाइल करवा सकें। अगर आपको ये हेयर स्टाइल पसंद है आपको पता है कि मैं बियर्ड कट और हेयर कट जो है एक साथ ही करवाता होता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करवाऊंगा, ये जो बेसिकली साइड से इनको फेड ऑफ करवाऊंगा। मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे, ये जो है सारी, ये देखिए ये जो मर्ज होती है, ये दोनों साइड मर्ज होगी राइट। और इसी तरह ये जो बैक है, बैक भी बिल्कुल मैं क्लीन रखता हूँ। और ये जो है ये बेसिकली ये जो आगे के बाल आप देखते हैं, मैं लंबे रखता हूँ। ये देखिए ये इतनी लंबाई की है, लेकिन ये साइड वाले बाल होंगे ये बहुत छोटे हैं ये वाले, तो ये सारे मर्ज करेंगे राइट। तो ये आगे के जो पोर्शन वाले बाल हैं, अगर मैं ये दिखाऊं आपको, तो ये आगे के पोर्शन वाले बाल लंबे हैं, और ये वाले जो बाल हैं इस पोर्शन के बाल, ये कितना पोर्शन है अगर आपको आइडिया लेना है, तो ये इतना पोर्शन है आगे तक का, मतलब आप लगा लीजिए यहाँ से इतना, ये आगे तक के सभी बाल लंबे हैं। पहले आई थिंक वी विल गो फॉर दी बियर्ड कट, आई लास्ट में डू द बियर्ड कट फर्स्ट, ताकि आपको बियर्ड के हिसाब से ये जो हेयर स्टाइल है ये समझ में आए। ठीक है, चलिए अब इसको बियर्ड वॉश करते हैं और चलते हैं बाल। A few moments later. All right guys, so अभी हम घर पे आए थे, तो मैंने तो पहले सोचा था कि ये जब वीडियो बनाएंगे तो हम क्लिप्स को जोड़ देंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन मुझे बीच में ऐसा लगा कि आपको मैं थोड़ा और बढ़िया तरीके समझा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हेयर कट करना कैसे है। सबसे पहले तो ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं हम मेंस अंडर कट, ये जो हेयर कट का स्टाइल का नाम है इसको बोलते हैं हम मेंस अंडर कट। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ से पूरा शेव करवा लेते हैं। तो मेंस अंडर कट का मतलब क्या है कि अंडर कट में क्या है कि आपके जो साइड के और बैक के बाल होंगे वो छोटे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, या तो वो मर्ज होंगे जैसे मैंने मर्ज करवाए हैं, या वो पूरा ही ऑलमोस्ट शेव करवाते हैं, और जो बीच के बाल होते हैं वो लंबे होते हैं। अब मैंने जो अंडरकट करवाया उसमें ये साइड जो है मैंने मर्ज करवाई हुई है राइट। तो इसको पहले अगर आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता लगेगा शुरू कैसे किया था। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ये बार्बर को इजीली दिखा पाए कि ये चीज़ हुई कैसे, कि ये हेयर कट हमारा किस तरह बना है। तो ये हेयर कट बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पर मार्किंग्स ली गई हैं राइट। तो जब स्टार्ट किया है उन्होंने कटिंग करना, तो साइड से शुरू किया है उसको खत्म करना, साइड से कट करना शुरू किया है। तो साइड से सबसे पहले उन्होंने मार्किंग करनी शुरू की है, जो सबसे पतला ट्रिमर होता है, वो जो ट्रिमर का बेसिकली वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 0.0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और उसी तरह जो है यहाँ पे मर्जिंग हुई है। जो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन होने वाला है ये मेरा है बिल्कुल 0.0, 0.0 इसको बोलते हैं। जो इसके ऊपर थोड़ा पॉइंट है वो हमारा है 0, उसके ऊपर वाला पॉइंट जो है 1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, और ये ऊपर जो है 0.5, और बाद में उसको सीजर से और जो 1 नंबर है उससे पूरा मर्ज किया गया। तो अपने बार्बर को बोल सकते हैं कि पहले यहाँ पे मार्किंग्स ले ले 0.0 के लिए, कि इस पर्टिकुलर पोर्शन जो वीडियो में देख रहे हैं जो मार्किंग्स दी गई हैं उस पोर्शन से नीचे वाला जो सारा ये पोर्शन होने वाला है ये 0.0 का पोर्शन होगा, और इसके ऊपर मर्जिंग शुरू होती है। एक बार आपने कर लिया तो जो वो नॉर्मल ट्रिमर होता है जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें सेटिंग्स होती हैं, उसमें सेटिंग्स कर सकता है आपके बार्बर, बार बार ये पर्टिकुलर एरियाज को डिवाइड करके, ये इतना एरिया जो है ये आपका 0 होगा, ये पर्टिकुलर एरिया 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और उस तरह चेंज करते हुए वो उसको कट कर सकते हैं। उसी तरह जो बैक के भी हेयर आपके होने वाले हैं वो बैक के हेयर भी इसी तरह मर्ज होंगे। जब आप ये साइड्स का सारा काम कर लेंगे, साइड्स में से सब कुछ हो जाएगा, तब आपने क्या करना है, आपने बीच वाले जो बाल है उनको छेड़ना है ओके। जो ये लास्ट में जो 0.0 वाले बाल अभी हमने उड़ाए नहीं है, वीडियो में देखेंगे ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ नीचे वाला जो एरिया है अभी तो उड़ा हुआ है, लेकिन वीडियो में जो है ये उड़ा नहीं हुआ है, इसको हम लास्ट में ठीक करने वाले हैं, ताकि हमारी जो प्रॉपर लुक है बियर्ड की भी वो भी डिसाइड हो पाए। अब एक बार आपने ये चीज़ कर ली है, साइड्स जो है और ये बैक है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसको बिल्कुल आपने मर्ज कर लिया है सिर्फ ये 0.0 वाली जगह को छोड़ने के बाद, उसके बाद आपने ये ऊपर के बालों को छेड़ना है। तो ऊपर के बालों को क्या करना है, नॉर्मली आपके बाबर को पता होगा कि ये जो बीच वाले बाल हैं, ये जो साइड्स वाले हैं, ये बीच वाले हैं और ये जो साइड्स वाले हैं, इनको छोटा करना है राइट, इनको छोटा जिगजैग
पोर्शन में करना है, ऐसे नहीं कि सीधा ही काटना है, जिगजैग में, वो आपके बाबर आपको बताएंगे। और जो ये सामने वाले बाल हैं, जैसे मैंने बोला था वीडियो में भी, ये सामने वाले बाल जो है मैंने इतनी लेंथ के रखे हुए हैं क्योंकि मैं इनको थोड़ा खड़ा करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा मुंह है, मेरा बियर्ड है, मेरे बाल जो है वो बैलेंस लगे, यानी कि लंबा लगेगा फेस लेकिन सिमेट्रिकल लगेगा। सो उससे क्या होगा कि ये जो सामने के बाल होंगे, इसको भी इन्होंने जैसे पहले ब्लो ड्राई किया हो तो आप ब्लो ड्राई करवा के करवा सकते हैं, बिना ब्लो ड्राई करवाए भी करवाएंगे, लेकिन जो ये बाल है इनको पकड़ के ऊपर से जिगजैग पोर्शन में काटना है। तो एक बार आपने जिगजैग पोर्शन में काट लिया तो ये ऐसी शेप ले लेंगे। ये जो डबल जीरो वाली पोजीशन थी, राइट, ये डबल जीरो वाली पोजीशन है, इसको अब हम रिमूव करना शुरू करेंगे। जो हमारा सबसे पतला ट्रिमर है, जो सबसे शार्प ट्रिमर हुआ, उससे हम ये सारे डबल जीरो की पोर्शन कर देंगे। ये वाली जो नीचे वाली साइड है, ईयर्स के पीछे जो आता है सारी, ये जो सारा पोर्शन होगा वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ये सबको हम डबल जीरो कर देंगे। डबल जीरो करने के बाद ये जो पर्टिकुलर लाइन है आपकी बियर्ड की, जो अभी डार्क थी वीडियो में, तो ये जो है पर्टिकुलर लाइन इसके साथ मर्ज करनी है। तो उसी तरह जैसे हमने ये ऊपर वाले पोर्शन मर्ज किए थे, उसी तरह ये वाले भी मर्ज होंगे सीजर्स के साथ। एक बार मर्ज करते हैं तो आपकी ये जो प्रॉपर शेप है बियर्ड की आनी शुरू हो जाएगी। तो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो, इस तरह की वीडियो पसंद आई है, क्योंकि ये थोड़ा इंस्ट्रक्शंस भी दी है मैंने, थोड़ा आपके लिए एंटरटेनिंग भी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको दिखा भी रहा हूँ सैलून के जो क्लिप्स हैं। मुझे पता नहीं है कैसा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो पे, क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉग्स बनाता नहीं हूँ आपको पता है, पर मुझे शायद लगा कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका हेयर स्टाइल किस तरह करना है। ये बहुत ही कोई बहुत खतरनाक हेयर स्टाइल नहीं है, जस्ट अ मेंस अंडरकट जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, बस वो मैंने चेंज किया, शायद आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन यही मुझे मौका भी मिल गया कि मैं आपसे एटलीस्ट शेयर कर पाऊँ कि ये हेयर कट करवाते कैसे हैं, क्योंकि आई थिंक गर्मियों में दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट हेयर कट्स। और जिनके स्पेशली कर्ली हेयर्स होते हैं और जिनके साइड से बाल ना ऐसे, मेरे तो अगर साइड से निकलने शुरू होने से झाड़ा बन जाता है, यहाँ से झाड़ियाँ, पत्ते, फूल, गोभी, सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनके यहाँ से झाड़ू, पत्ते, फूल, गोभी निकलते हैं, तो ये अंडरकट आपके लिए सबसे बेहतरीन हेयर कट हो सकता है। और ये जो थी ये हेयर स्टाइल है मेरा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो नीचे बताइए। ये देखिए, ये जो हेयर स्टाइल किया है उन्होंने किया है, तो वो तो ब्लो ड्राई वगैरह करके उन्होंने हेयर स्टाइल किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वो हेयर स्टाइल बताऊं जो मैं घर पे बनाता हूं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि मोर हेयर स्टाइल वीडियोज़, तो मैं घर पे जो हेयर स्टाइलिंग होती है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो नीचे कमेंट कर दीजिए, वो बन जाएगी आपके लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, जो जिनसे मैंने भी हेयर कट करवाया है वतन, उनका भी मैं इंस्टाग्राम लिंक नीचे डाल दूँगा, उनको जाकर फॉलो कर सकते हैं, अच्छे दोस्त हैं हमारे, प्यारे दोस्त हैं। कभी पटियाला आएंगे तो प्लीज़ हेयर कट करवा के देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए, मेक श्योर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अभिनव महाजन लाइव फॉर मोर स्टाइल एंड फैशन अपडेट्स। आई एम गोना सी यू वेरी सून, टिल नेक्स्ट टाइम, keep going, keep growing stronger.